भक्ति काल को हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग कहा जाता है। यही वह समय था जब हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ रचनाएं लिखी गई और भारत की धरती पर अनेक संत कवियों का आगमन हुआ। कबीर दास भी उन्हीं कवियों में से एक थे। इनको संत शिरोमणि भी कहा जाता है। दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी अपने दादा दादी या नाना नानी या फिर किसी बड़े बुजुर्ग से इनके दोहों को कहावतों की तरह जरूर सुना होगा। इनके मर्मस्पर्शी दोहे आज भी इतने लोकप्रिय हैं कि उनको जब भी सुना जाए तो मानो वह दिल की गहराइयों में उतर जाते हैं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। इसका कारण यह था कि वह जुलाह जाति से थे और उस समय की मान्यताओं के अनुसार किसी शूद्र वर्ण से संबंध रखने वाले व्यक्ति को यह अधिकार नहीं था कि वह विद्या प्राप्त कर सके। और कबीर खुद भी कहते हैं, मसी कागद छूहो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मतलब कि ना ही मैंने कभी स्याही कागज को छुआ और ना ही मेरे हाथ कभी कलम ही लगी। दोस्तों, फिर भी इनकी वाणी को पढ़ने से पता चलता है कि अनपढ़ होने के बावजूद भी इनमें कितनी उच्च कोटि की काव्य प्रतिभा थी। अत्यंत सरल भाषा में कहे गए इनके दोहे आज भी सुनते हैं तो मानव जीवन में एक प्रेम रस घुल जाता है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्होंने खुद कोई ग्रंथ भी नहीं लिखा। जो वाणी उन्होंने कही, उनके शिष्य उसको लिखते चले गए। कबीर शूद्र जाति से थे, लेकिन उन्होंने अपनी जाति को कभी छुपाया नहीं। कबीर खुद कहते हैं, कबीर मेरी जात को हर कोई हंसने हार, बलिहारी इस जात को जिन्हें जपियो सिरजनहार। मतलब कि मेरी जात को हर कोई हंसता है, लेकिन मैं इस जाति को बहुत ऊंचा मानता हूँ, क्योंकि मैंने इसी जाति में होकर उस प्रभु की सच्ची भक्ति की। कबीर ने जात पात के भेदभाव का खंडन किया। उनका मत है कि असल में वह व्यक्ति ऊंचे कुल का है जिसके विचार ऊंचे हैं, जिसके विचारों में वह प्रभु बसते हैं। दोस्तों, आइए एक नज़र कबीर साहब के जीवन पर भी डाल लेते हैं। कबीर के जन्म को लेकर शुरू से ही विद्वानों में मतभेद रहा है। उनके जन्म के बारे में एक बात तो तय है कि कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ, लेकिन उनके माता पिता के बारे में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कई विद्वानों का मानना है कि कबीर साहब को एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया, जो कि बाद में उसे काशी में लहर तारा तालाब के किनारे छोड़ आई और फिर वहां से नीरू और नीमा नामक मुस्लिम जुलाहा दंपति ने उनको उठाया और उनका पालन पोषण किया। इसके विपरीत कबीर पंथियों का यह मानना है कि कबीर के कोई माता पिता नहीं थे। वह लहर तारा तालाब के किनारे एक पुष्प के ऊपर ज्योति के रूप में आए। लेकिन कुछ प्रसिद्ध संतों जैसे गुरु रविदास, संत रज्जब और गुरु अमरदास का यह मानना है कि कबीर ने नीरू और नीमा जुलाहे के घर में ही जन्म लिया और वही उनके माता पिता थे। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन एक महापुरुष को परिभाषित उसके कर्म करते हैं, उसका जन्म नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कबीर की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें और उसकी वाणी पर अमल करें, बजाय इस बात पर लड़ने के कि उनका जन्म कहां और कैसे हुआ। संत इस दुनिया में हमें अपनी महानता का परिचय देने नहीं आते, वह तो हमें इस संसार की सच्चाई का बोध कराने आते हैं। दोस्तों, कबीर साहब की पत्नी का नाम लोई था और उनके दो बच्चे थे। कबीर जीविका के लिए कपड़ा बुनने का काम किया करते थे। दोस्तों, कबीर बहुत ही रहम दिल इंसान थे, जैसा कि अमूमन एक महात्मा का स्वभाव होता है। एक बार वे अपने पिता के कहने पर कपड़ा बेचने जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक गरीब व्यक्ति मिला जो कि सर्दी के मारे कांप रहा था। ऐसी हालत में उसको देखकर कबीर ने आधा कपड़ा उसे दे दिया, लेकिन वह व्यक्ति बचा हुआ कपड़ा भी मांगने लगा। कबीर उसे मना नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति को पूरा कपड़ा दे दिया और फिर खाली हाथ घर लौटे। घर पहुंचने पर उन्हें अपने पिता से बहुत डांट और मार सहनी पड़ी, जिसे वह हंसते हंसते सह गए। ऐसी ही अनेक कहानियां कबीर से जुड़ी हुई हैं। कबीर की शिक्षाएं धार्मिक कट्टरता और कर्मकांड विरोधी थी, इसलिए धार्मिक पंडित और कट्टरवादी उनके दुश्मन बन गए।
जब कबीर साहब का अंतिम समय निकट आया तो कट्टरवादियों ने उनको काशी छोड़कर मगहर जाने के लिए मजबूर किया, क्योंकि काशी और मगहर के बारे में यह मान्यता थी कि जो काशी में मरता है उसको स्वर्ग प्राप्त होता है और जो मगहर में मरता है उसे नरक मिलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कबीर खुद भी मगहर जाना चाहते थे। कबीर ने कहा है, सकल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बार मगहर उठ आया। कबीर साहब चाहते थे कि उनको मुक्ति उस खुदा की भक्ति के लिए मिले, ना कि काशी में देह त्यागने के कारण। इसलिए वह अपने अंतिम दिनों में काशी छोड़कर मगहर चले गए। कबीर साहब ने कहा है, जो काशी तन तजे कबीरा तो राम को निहोटा। मतलब कि अगर कबीर काशी में शरीर त्याग दे तो उनका उस प्रभु की भक्ति करने का क्या फायदा हुआ। कबीर साहब अपनी पत्नी लोई को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो उस राम की भक्ति में लीन है, वह चाहे काशी में मरे या मगहर में, वह तो परम धाम को ही जाएगा। इसलिए कबीर के वहां जाने से मगहर से जुड़ा यह कलंक भी मिट गया। कहत कबीर सुनोरी लोई, भरम ना भूलो कोई, क्या काशी क्या होकर मगहर, राम हृदय जो होई। जिसके दिल में राम है उसे इस बात की कोई चिंता नहीं कि वह बनारस में मरे या मगहर में। दोस्तों, इसी तरह 1518 ईस्वी में मगहर में ही रहकर कबीर साहब इस नश्वर दुनिया से सदा के लिए रुखसत हो गए। जब कबीर साहब ने देह त्यागी तो उनके अनुयायियों में मतभेद हो गया। उनके हिंदू अनुयायी कबीर के पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार करना चाहते थे और उनके मुस्लिम अनुयायी उसे दफनाना चाहते थे। यह सब देखकर कबीर साहब के दिल को बहुत ठेस पहुंची होगी। तभी जब उनके एक अनुयायी ने उनके शव से चादर हटाई तो देखा कि उनके शरीर के स्थान पर फूलों का ढेर पड़ा मिला। इस तरह एक महान पुरुष के जीवन का महान अंत हुआ। अपने जीवन में उन्होंने सदा इंसानियत की भलाई की सोची। वह हमेशा हिंदू मुसलमानों को जोड़ने का प्रयास करते रहे। कबीर कहते थे, हिंदू कहत राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़ मरत हैं, मरम कोई नहीं जाना। मतलब कि हिंदू राम को अपना मानते हैं और मुस्लिम रहीम को, और दोनों समुदाय आपस में लड़ लड़ के मर जाते हैं, लेकिन धर्म का मतलब कोई नहीं समझता। जिस तरह सूर्य की कोई जात नहीं होती तो क्या उससे निकलने वाली किरणों की कोई जात हो सकती है। जब खुदा की कोई जात नहीं होती तो क्या उसके बच्चों की कोई जात हो सकती है। यही